तो स्वागत दोस्तों आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं एक 3 बजे 5 बजे एक नई वीडियो डालूंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गवर्नमेंट ऐप में सभी आपको कार्य चला सकते हैं। तो दोस्तों ये वही वीडियो जिसमें कि आप अपने गवर्नमेंट ऐप में सभी आपको चला पाएंगे। और दोस्तों ये 100% रियल है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने अपने टैब में कैसे यहाँ पर सभी ऐप है जो चलाए हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्तों जो चैनल के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसको दबाना मत भूलना। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गवर्नमेंट टैब में सभी आपको कैसे चला सकते हैं। दोस्तों आपको अपने गवर्नमेंट टैब में सभी आपको चलाने के लिए जो आपको यहाँ पर आई का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है, वाईफाई पर आपको क्लिक कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर इस बटन को दो बार प्रेस करके यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर स्कैन करके इसको और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। और आपको परमिशन फॉर अ न्यू ऐप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट की शॉप पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टूडेंट की शॉप पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको वन यूआई होम है जो सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको फिर से वही प्रोसेस है जो वो करनी है, आपको फिर से वाईफाई को ओपन करना है और फिर से आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और दोस्तों अब आपको यहाँ से बैक चले जाना है। और अब आपको तो दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च पर आपको लिख देना है नेविगेशन बार। तो दोस्तों ऐसा आपको लिख देना है और यहाँ पर पहले पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर नीचे जाना है और इसको आपका ये हो आप ये मिलेगा आपको, लेकिन आपको इसको इस पर सिलेक्ट कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो बटन है वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, बैक करने का बटन। अब दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली ऐसे करके यहाँ पर बैक का जो वो कर लेना है। और अब आपको यहाँ पर सर्च कर देना है दोस्तों स्टूडेंट की शौक। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोर स्टॉप पर आपको बार बार क्लिक करना है यहाँ पर फोर स्टॉप पर। और अब आपको फोर स्टॉप पर बार बार क्लिक करने के बाद दोस्तों एकदम से इसको यहाँ पर उठा देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर फोर स्टॉप को बार बार क्लिक करना है। और दोस्तों इसको आपको अब आपको यहाँ पर अवसर ऐप है जो अब यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। और अब आपको एकदम से यहाँ पर ऐसे उठा देना है। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर सभी ऐप है जो यहाँ पर चल चुके हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होगे यहाँ पर प्ले स्टोर भी है जो ओपन हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो सभी ऐप हो यहाँ पर चलने लग गए हैं।